नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YTEDUCATION एजुकेशन में। दोस्तों, खेल इंडिया यूथ गेम्स 2020 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से जितने भी प्रश्न हो पाए हैं हम आप तक लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आंसर करने का आप भी कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, 6 बजे करेंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलें, 10 बजे जनरल साइंस की क्लास देखना ना भूलें और शाम को 7 बजे जो कि बिहार दरोगा के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं उसे भी देखना आप लोग ना भूलें। क्योंकि आज दिन भर कोई वीडियो नहीं आया आपका, कारण क्या था, सरस्वती पूजा था, उसमें सभी लोग व्यस्त थे, इसलिए कारणवश आज हम नहीं दे पाए वो वीडियोस दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये वीडियो देख लीजिए। स्टैटिक जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखने से पहले कुछ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जान लेते हैं। आपको सबसे पहले चीज़ तो बताना चाहेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये इसका तीसरा संस्करण इस बार खेला गया है 2020 में। इससे पहले 2018 में और 2019 में खेले जा चुके हैं। 2018 की बात की जाए तो सबसे पहले, जी हाँ, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में कि सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ खेला गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। दूसरा हुआ था दोस्तों पुणे में, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। और तीसरा संस्करण अभी हुआ है 2020 में गुवाहाटी, असम में। तो ये इतनी सारी चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, कितने मेडल्स मिले, किस कौन सा रैंक वन पे रहा जो आपका टीम था, ठीक है, उसके अलावा खेलो इंडिया के नाम से किस नाम से जाना जाता था, इन सभी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे हम आप तक शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने, आप भी आंसर करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे आप जल्दी से करेंगे अगर आपके पास उत्तर है तो। बिल्कुल, जिनका उत्तर यहाँ पे दोस्तों सी आ रहा है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका शुभारंभ जो है वो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने की थी, लेकिन उस समय जो हमारे खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, वो यहाँ पे शामिल थे इस खेल महोत्सव में। ठीक है, जब इसकी उद्घाटन की जा रही थी, इसका जब शुभारंभ किया जा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसका जो तीसरा संस्करण ये खेला गया, ये कब से कब तक खेला गया था। तो याद रखिएगा, 10 जनवरी से लेकर ये 22 जनवरी तक इसका संस्करण हुआ था। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। 2-4 चीज़ें ऐसी होगी जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से अलग से बताऊंगा जो कि एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। इसका PDF जरूर ले लीजिएगा आप लोग, अभी थोड़ी देर के बाद जो वीडियो खत्म होगा उसके बाद आप लोग YTEDUCATION एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जाके। अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी में होने वाला तीसरे खेल इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभांकर लोगो और जर्सी का उद्घाटन किसने किया था। बिल्कुल, आंसर क्या करेंगे दोस्तों, बी और सी दोनों, यानी कि किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल, ये हमारे खेल मंत्री हैं, खेल केंद्रीय खेल युवा मंत्रालय से हैं और सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और आप असम का जो राजधानी है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जल्दी से नीचे अभी के अभी, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभांकर क्या था। तो जो शुभांकर थे दोनों, जो आप देखते होंगे इस गेम के लिए शुभांकर बने हुए थे, उसका नाम था दोस्तों जय और विजय। नोट कर लीजिएगा, आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जय और विजय ये शुभांकर थे यहाँ के। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया था टोटल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, है ना। इस बार इस साल टोटल 20 खेलों को शामिल किया गया था यहाँ पे। ठीक, याद रखिएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, और सबसे पहला खेला गया ये जो है कहाँ खेला गया था, यूथ इंडिया गेम्स, है ना, तो सबसे दिल्ली में सबसे पहले खेला गया था, याद रखिएगा, उसके बाद पुणे में, उसके बाद ये तीसरा संस्करण था इसका गुवाहाटी में, और जो इसका चौथा संस्करण होगा वो कहाँ खेला जाएगा, तो याद रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, और वो उसका नाम क्या है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, जी हाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये खेला जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, इसका चौथा संस्करण नहीं होगा, वो एक अलग है, क्योंकि इसका पहला नाम जो था खेलो इंडिया गेम्स का, वो इसका पहला नाम क्या था,
ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम, जहाँ इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, इसका पुराना नाम था खेलो इंडिया यूथ गेम का पुराना नाम क्या था, तो खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम, चूँकि उसके अंदर अंडर 17 जो स्टूडेंट होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे गेम्स में, लेकिन अब इसमें 21 यानी कि 21 साल की उम्र वाले जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं उनको भी शामिल किया गया एज ग्रुप को, तो इसलिए अब इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पहली बार कौन दो खेलों को शामिल किया गया था, चलिए उत्तर कीजिएगा दोस्तों। इस बार दो ऐसे खेल थे जिसको पहली बार शामिल किया गया है, मतलब कि 2018 में और 2019 में इसमें शामिल नहीं था ये दोनों गेम। बिल्कुल, अगर आपके आंसर आ रहे हैं दोस्तों साइकिलिंग और लॉन बाउस, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आपके उत्तर डी आ रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शीर्ष पर कौन सा राज्य है, बिल्कुल आंसर क्या करेंगे दोस्तों, शीर्ष पे है अभी महाराष्ट्र। अभी देखिए, चूंकि मैं आपको पूरा यहाँ पर डिटेल दे दे रहा हूँ, है ना, इसको लिखिएगा आप लोग, पॉइंट नोट कर लीजिएगा एक कलम कॉपी लेकर। महाराष्ट्र जो है टोटल इस बार का 2020 में जो गेम हुआ है उसमें 256 पदक जीते हैं, ठीक। 256 में अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड जीता इन्होंने 78, ठीक। उसके बाद सिल्वर की बात करें हम लोग तो सिल्वर जीता इन्होंने 77, ठीक। और इसके बाद अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें, है ना, ब्रॉन्ज की बात करें तो ये जीता है 101, ठीक है। तो टोटल मिला के इन्होंने 256 यहाँ पे पदक जीते हैं, इसलिए ये शीर्ष पे हैं, ठीक है। अब पूछेगा कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे नाम लीजिएगा दोस्तों हरियाणा, ठीक है। चलिए ये पहला नंबर स्क्रीनशॉट मार लीजिए यहाँ से, पहले नंबर में इतने पदक इन लोगों ने जीते थे, ठीक है। दूसरे नंबर का पूछे तो बताना है हरियाणा, हरियाणा ने गोल्ड मेडल जो टोटल पदक है वो 200 जीते थे, ठीक, जिसमें कि गोल्ड जीता था इन्होंने कितना, तो गोल्ड जीता है दोस्तों 68, ठीक। सिल्वर कितना, तो सिल्वर जीता है दोस्तों इन्होंने 62, ठीक। और ब्रॉन्ज जीता है कितना, तो 72, ये याद रखिएगा, ठीक। ये टोटल 200 पदक इन्होंने जीते हैं, ओके, लगभग, है ना, लगभग इन्होंने 200 पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे एक तीसरा है हमारा दिल्ली, तीसरे नंबर पे, इनका जो है टोटल 122 पदक है, गोल्ड जीता इन्होंने 39 और सिल्वर जीता इन्होंने 36 और यहाँ पे जो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वो 47, तो ये इनका पूरा पदक है जीतने का, ठीक है। तो पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे न्यू दिल्ली, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा, 2020 पर केंद्र शासित बोल दिया गया है यहाँ पे, है ना, तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। देखिए दोनों तो राज्य हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा जो है वो दोनों ही राष्ट्र हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली जो है ये क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगर देखा जाए तो हरियाणा से ऊपर था, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में जो दोस्तों नई दिल्ली है वो सबसे शीर्ष पे है, ठीक है, याद रखिएगा केंद्र शासित बोल दिया गया, इसलिए वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। शीर्ष पे इसलिए कि पौंडीचेरी, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, ये तीनों के जो खिलाड़ी थे ये लोग बाहर हो चुके थे, मतलब इन लोगों से ये पीछे थे और दिल्ली ही इस तीन टॉप थ्री में शामिल थे, जो विजेता टीम थी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की विजेता टीम महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं, चलिए आंसर बताइए, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो इन्होंने 256 पदक जीते थे, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, और ये दोस्तों ये आपके हरियाणा ने कितने जीता था, 200 और दिल्ली ने 122 पदक जीते थे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 असम राज्य का स्थान रहा, असम जो राज्य था उसका कितने नंबर पे स्थान रहा, ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेम हुआ था असम में और असम का जो रैंकिंग था वो कितना था यहाँ पे, बिल्कुल ये 7वें नंबर की रैंकिंग पे था असम, ठीक है, याद रखिएगा। टॉप पे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ये आपका जो है इस साल का 2020 का रैंकिंग। और अगर रैंकिंग की बात हो रही है तो हम बात करेंगे दोस्तों 2018 की, अगर जो सबसे पहला संस्करण हुआ था उसमें हरियाणा टॉप पे था, उसके बाद महाराष्ट्र टॉप पे था, उसके बाद दिल्ली टॉप पे था, ये लिख लीजिए इसको। जब बात करेंगे 2019 की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो जब 19 हुआ तो उसमें महाराष्ट्र टॉप पे आया, फिर उसके बाद हरियाणा था सेकेंड पे और तीसरे पे फिर दिल्ली थी,
और अगर हम बात करेंगे 2020 की तो अभी भी कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन महाराष्ट्र टॉप पे है, उसके बाद हरियाणा टॉप पे है, उसके बाद दिल्ली टॉप पे है। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी दो बार से लगातार महाराष्ट्र जो है टॉप सिर्फ अपना बनाया हुआ है स्थान में, ठीक है, रैंकिंग में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा तीसरा ही संस्करण था ये 2020 का, ठीक। तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों, गुवाहाटी, असम के शहर गुवाहाटी में, असम की राजधानी दिसपुर होती है। मैंने क्वेश्चन जो पूछा था ऊपर उसका आंसर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिए थे? तो 28 राज्यों ने और 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने, यानी कि सभी राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में टॉर्च लाइटर कौन था? टॉर्च लाइटर, जी हाँ, ये टॉर्च लाइटर कहने का मतलब जो था, ये रिबन कटिंग जो करते हैं या फिर उद्घाटन करने के समारोह में इनको रखा गया था, ठीक है, जी हाँ, इन्होंने मशाल को अपने हाथ में लेकर जलाया भी था, इसलिए इनको टॉर्च लाइटर कहते हैं, ठीक है। हीमा दास, नोट कर लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल्ड मेडलिस्ट हीमा दास कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, पहले ये अंडर 17 हुआ करता था, ठीक है, जो कि इसका नाम क्या था, खेलो इंडिया यूथ स्कूल, है ना, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम से था, लेकिन जब इसका अंडर 21 कर दिया गया तो इसको क्या कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम दे दिया गया। तो आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, डी कर लीजिएगा, अंडर 17 और अंडर 21, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो 10 जनवरी को हुआ था, ये याद रखेंगे 2020 में, और ख़त्म कब हुआ था तो 22 जनवरी, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया था इसकी व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 15, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का मुख्य समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? स्टेडियम का नाम बता दीजिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी, जी हाँ, इंदिरा गांधी एथलेट स्टेडियम, आंसर ए कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल असम में है, गुवाहाटी में ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में शानदार प्रदर्शन करने वाला 1000 खिलाड़ियों को कितने रुपए की वार्षिक सहायता की जाती है? बिल्कुल, 1000 खिलाड़ियों को देखिए वार्षिक सहायता भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो भी प्रत्येक साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और वहां से पदक जीतेंगे, उनको वार्षिक सहायता इसलिए दी जाएगी कि अपने आप को फिट रह सके और भारत में होने वाली जो एथलीट्स गेम होती हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल की, उसमें अपने आप को फिट करके रखे, ताकि वहाँ पर भारत का नाम और रोशन किया जा सके और इसमें उनको जागरूकता भी मिले, यार यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं तो अच्छे से खेलेंगे तो और ज़्यादा कमा सकेंगे। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इसको 5 लाख का इनाम रखा गया है हर साल वित्तीय सहायता, इसको कहा जा रहा वार्षिक सहायता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली, सबसे पहले नई दिल्ली में खेला गया, उसके बाद चूंकि मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, क्वेश्चन नहीं आया था, ये न्यू दिल्ली सबसे पहले हुआ था, उसके बाद पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र का शहर है पुणे, और उसके बाद गुवाहाटी जो कि आसाम का शहर है, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा संस्करण हुआ था ये दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी होने वाला है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, जो कि आपको 22 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है, वो भी याद रख लीजिएगा, और उससे भी जुड़े हुए प्रश्न आएंगे एग्जाम में, 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये गेम खेला जाएगा, ठीक, याद रखेंगे, इसी महीने शुरू होने वाली है फरवरी में ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये याद रखिएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे, तो भुवनेश्वर में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? बिल्कुल, खेलो इंडिया का पुराना नाम मैंने बता दिया आपको, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। और अगला और आखिरी प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सीईओ कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, अरविंद जोशी इज द करेक्ट आंसर, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है, यहाँ पे टॉप 20 लिखा है, पर ये 20 से भी ज़्यादा प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है,
बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको शेयर किया। ऐसे ही बीच बीच में आपको स्टैटिक जीके करा दिए जाएंगे हर वो टॉपिक से। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।